शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो। देवकी की महिमा बड़ी शोभा बड़ी बाल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो रसिकन सुख कंद भयो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। Radhe Madhava, Sri Radhe Madhava.
शिवरात्रि पर्व की जय, जमुना मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंसे भागवत के दशम स्कंद की छठी अध्याय के दूसरे श्लोक को हम गान कर रहे हैं। कंसी ने प्रेरिता घोरा पूतना बालघातिनी। आओ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अब गोप गोपियां आनंद महोत्सव मनाए रही हैं। नंद बाबा कर देने के लिए कंस के यहाँ गए। रास्ते में वसुदेव जी का मिलन हुआ। नंद बाबा समाचार देना चाहते हैं कि कृष्ण जन्मा है। वसुदेव जी ने पहले ही कहा आपका लाला कैसा है, क्योंकि हुआ था वसुदेव के घर, बधाई बजी थी नंद के घर। कभी कभी भाग्य ऐसे मोड़ पर ले आता है। वक्त होता है वे वफा यारों, आदमी वे वफा नहीं होता। कभी कभी वक्त ऐसे मोड़ों पर हमें ले आता है। ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। वसुदेव जी के बेटा तो हुआ है, पर न रो सकते हैं। रोए तो कंस का भय है, न हंस सकते हैं। हंसने और रोने पर भी पाबंदी लग गई है। इधर कंस पूतना नाम की राक्षसी को मारने के लिए भेजता है। बच्चों को मारने वाली पूतना गोकुल गांव में आती है। तो यहां एक तीसरा श्लोक बड़ा प्यारा है, इसको याद भी रखना चाहिए लोगों को। छठे स्कंद का तीसरे अध्याय का श्लोक है कि नयत्र श्रवणादीनी कृतो मानि श्वकर्मशु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु जहाँ लोग प्रतिदिन भगवान की श्रवण कीर्तन ध्यान लीला का भगवान का स्मरण कीर्तन और स्मरण नहीं करते हैं, भागवत में लिखा है, ऐसी जगह पर राक्षसियों का जोर चलता है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। कोई बोले मेरे घर में उसने प्रेतनी करवा दी, कोई बोले डोरा करवा दिया, कोई बोले नजर लग गई, कोई अरे भाई भागवत बोले श्रवण की कमी है, कीर्तन की कमी है।
जहां पर श्रवण हो कीर्तन हो वहां पर राक्षसियों का जोर नहीं चला करता है। आज के विज्ञान के युग में भी लोग कभी मेरी दुकान बना दी, मेरा घर बना दिया। अरे जब हनुमान जी के घर में बैठे हैं तुम्हारे, रोज हनुमान जी के मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो, सूर्य नारायण को जल देते हो, किसकी ताकत है तुम्हारा घर बना दे। जब नजर डोरे इतने ताकतवर है तो क्या हनुमान जी ने चूड़ी पहन रखी है? बिल्ली आगे से चली जाए तो लोग गाड़ी रोक देते हैं कि भाई कुसुन हो गया। ठीक है चलो कुसुन हो गया, तो अब 21 बार हरे राम करके निकल जाइए, सगुन हो गया। जब बिल्ली अब सुगुन पैदा कर सकती है तो क्या राम का नाम सकुन नहीं दे सकता है? ठीक है उसने अब सुगन किया तो आप सुगन कर लीजिए। मेटत कठिन कुअंग भाल के, वैष्णव कहते हैं भगवान करे सुबह से शाम तक 100 बार बिल्ली आगे से निकले, और हर बार मिक्की से 21 बार प्रभु का नाम ले तो कितना खजाना हमारा रोज बढ़ जाएगा नाम का। कोई छींके, कोई रोके, कोई टोके, कोई तारा टूटता दिखाई दे तो भगवान नाम लेने की आदत डाली है। पूतना का जोर वहीं चलता है जहां पर प्रभु का नाम संकीर्तन नहीं है। वह पूतना आकाश मार्ग से चली, अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। खेचरी है वो, धरती पर नहीं चलती, आकाश में चलती है पूतना, मावेनी है। जो चाहे जैसा रूप बना सकती है, वह आदमी का बना ले, स्त्री का बना ले, पुरुष का बना ले, आज वो खेचरी सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप बनाया उसने। ताम केशबंध व्यतिसक्त मल्लिका, फूलों में बेली के फूल लगाए बालों में, मानसरोवर के हंसों की चाल चुराई, कोकिला के कंठ चुराए, सुख की नाक, अद्भुत सुंदरी बनी है। सुदेव जी कहते हैं देख सोने की नूपुर पहन करके, कानों में जब बड़े बड़े हीरों के कुंडल झलकाती हुई वो चली, अद्भुत सुंदर लग रही है पूतना। भाई पूतना की सुंदरता भागवत जी में क्यों है? इसलिए है कि जीव वो सुंदर होता है जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाता है। पूतना श्री कृष्ण से मिलने जा रही है। सोई पावन सोई सुभग सरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। जो भगवान के लिए श्रृंगार करे उसका नाम गोपी है। तो गोविंद के लिए सजे, गोविंद के लिए गहने पहने गोपी। साखे चरिये कदो पेत्य पूतनानंद गोकुलम, और उसने गोकुल गांव को सुंदर सजा धजा देखा, दिमाग खराब हो गया पूतना का, कितनी सजावट क्यों है, इतने नाच क्यों रहे हैं, गान क्यों हो रहा है। बस पूतना उसी समय में सुंदरी वेश बना करके गई है जसोदा जी के लाल को ढूंढने। गांव में हल्ला मचा, राजाधिराज महाराजाधिराज की पत्नी आई है। यशोदा जी ने भी देखा कोई स्वर्ग की सुंदरी हो सकती है, तो बता दिया वहां चली जा कृष्ण। अंदर भगवान 6 दिन के हुए हैं, आज 6ठे दिन आई पूतना। पंच ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन, 6 जगह दुर्विचार आते हैं। पूतना आई है और आकर के
पल्ले में सोए हुए लल्ले को देखा तो पूतना सहम गई। ऐसा सुंदर लल्ला, ऐसा सुंदर लल्ला, और भगवान ने पूतना को देखते अपनी आंख बंद कर दी। ये तो ऊपर की तो बहुत सुंदर है पर अंदर जहर लगा करके आई है, इसलिए तेरी शकल देखनी नहीं है मेरे। तो दुनिया को धोखा दे सकती है, दुनिया बनाने वाले को थोड़ी दे सकती है। पूतना बहुत सुंदर सजकर आई, भगवान कृष्ण ने आंखें बंद की पूतना को देखते ही, मानो कह रहे हे भोलेनाथ आज शिवरात्रि का दिन है, मेरा जन्म तो माखन खाने हुआ है, जहर आप पी लो आकर के, भोग लगा रहा चीज। पूतना को देख करके भगवान ने आंख बंद कर ली, मानो ये कह रहे हो पूतना मेरी शरण में आने वालों का मैं आंख बंद करके उद्धार करता हूं, जात पात ऊंचा नीचा नहीं देखता। पूतना ने कहा इतना सुंदर, ये तो भगवान है, दूध पिला करके इसे मारती हूं, यदि मर गया तो आधा राज्य कंस देगा और ये मैं मर गई तो मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा। पुत्रा ने स्तन लगा, जहर लगा, स्तन दिया, और उसी समय भगवान ने तवंगमारोप्य तदंगमंतकम यथोरगम सुप्त बुद्धि जूसी। भगवान ने जो ही स्तन पीना शुरू किया कि सामुच मुंचाल निधि प्रभाषिणी निष्पिड्यमाना अखिल जीव वर्मणि। छोड़ दे रे, छोड़ दे रे, बोल पड़ी, छोड़ दे रे, छोड़ दे रे, मुंच मुंच। लेकिन भगवान बोले मौसी जी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। भगवान ने पूतना का जहर पिया। भगवान करे हमारे जितने दुर्विचार है सबको भगवान पी जाए, क्योंकि जब तक दुर्बुद्धि दुविधा नाश नहीं होगी तब तक प्रभु का दशमस्कंद आरंभ नहीं होगा। आरंभ में ही भगवान ने पूतना का जहर पिया है। पूतना निकल पड़ी, छोड़ दे रे, छोड़ दे, और उसने अपना इतना शरीर बढ़ाया, इतनी कोस लंबी बन गई, गिरी और मर गई। श्याम सुंदर छाती पर दूध पी रहे थे और पूतना उसी समय मर जाती। छाती पे भगवान लेकर के मरने वाले पूतना जी को प्रणाम करते हैं, लोगों के दिल में नहीं आते, दिमाग में नहीं आते, और उसकी छाती पर चढ़े थे। कहते हैं यह रत्नावली नाम की बलि राजा की बहन थी, पिछले जन्म में बामन जी को बेटा बनाना चाहती थी, पर जब नाप लिया तो इसके मन में था कि जहर देकर मारना चाहिए इसको। आज भगवान हमारे जहर पीने के लिए आ गए हैं। पूतना जो है वह मर जाती है। उसी समय यशोदा मैया आती है और आकर के देखती है लाला के कहीं जहर न चढ़ गया हो, इसलिए सबसे बढ़िया दवाई है जो रोग कहीं नहीं मिटे, जो रोग याद रखिएगा कहीं नहीं मिटे, कहीं किसी से नहीं मिटे, तो फिर गोमूत्रेण, गोमूत्र से वो बीमारी खत्म हो जाती। दुनिया का कोई भी जहर, कोई भी जहर 3 दिन से ज्यादा गोमूत्र में टिक नहीं सकता है। गोमूत्र में डाल दो तो जहर खत्म। हाँ, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया लाला को, जहां गाय बैठी वहां की रज ला करके लाला के सिर पर डाली गई है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज शार्भकम् रक्षां चक्रश्चक्रिदा द्वासिजांगेषु नामभिः। अंगों में गोबर लगा करके भगवान केशव के नामों से उनकी रक्षा करने लगे। आइए जरा हाथ जोड़ लें, आपके परिवार में भी नजर लगी हो तो उतर जाएगी, ऐसे झाड़े के मंत्र हैं। हाँ, अव्याध जोंग्री मणिमास तब जानवथोरू
अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करे, मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान तुम्हारी जंघा की रक्षा करे, अच्युत भगवान आपके कमर की रक्षा करे, हैग्रीव आपके पेट की, केशव आपके हृदय की, ईश आपके वक्षस्थल की, सूर्य आपके कंठ की, विष्णु आपके बाहु की, और रुक्त भगवान आपके मुख की, और ईश्वर भगवान आपके सिर की रक्षा करे। चक्रधारी भगवान तेरे आगे से, गदाधारी पीछे से, धनुषधारी दाएं से, वज्रधारी बाएं से, और मधुसूदन भगवान अगल बगल से, संगधारी भगवान चारों कोनों से, उपेंद्र भगवान ऊपर से, हल्दर भगवान पृथ्वी से, और परम पुरुष भगवान तुम्हारी चारों तरफ से रक्षा करे। इंद्रियाणि ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान तुम्हारी इंद्रियों की, प्राणान नारायणो भतु, नारायण भगवान आपके प्राणों की, श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, श्वेत द्वीप में रहने वाले भगवान आपके चित्त की, मनो योगेश्वरो भतु, जोगेश्वर भगवान मन की, प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धि, प्रश्न भगवान तुम्हारे बुद्धि की, आत्मानं भगवान, परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे, क्रीडंतं पातु गोविंद, खेलते समय गोविंद, शयानं पातु, सोते समय माधव, व्रजंतम अभ्याद वैकुंठ, चलते समय वैकुंठनाथ, आशीनम त्वाम श्रीयपति, बैठते समय लक्ष्मी नारायण, भुंजानम यज्ञ भुक्पातु, भोजन करते समय यज्ञ नारायण, सर्वगृह भयंकर। हाँ भैया, कोटरारे भतीजेष्टा पूतना मातृका दय, भूतनी प्रेतनी डाकनी शाकनी छुड़ेल, सबसे हरि भगवान आपकी रक्षा करें। या भगवान नाम से अद्वितीय रक्षा हो सकती है, ऐसे हर आदमी को एक रक्षा कवच पढ़ना जरूरी है। आप देवी माँ के उपासक तो दुर्गा कवच पढ़ लीजिए, नहीं तो राम रक्षा स्तोत्रम सबसे बढ़िया चीज है। जो काम आपका है, किसी के प्राण अटक रहे हो नहीं निकल, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बिठा दीजिए। हाँ, कोई तकलीफ में पा रहा हो, बस संकल्प दिला दीजिए राम रक्षा स्तोत्र का, काम हो जाएगा। हाँ, शुद्ध मन से करो, भगवान सुन लेंगे। रक्षा कवच जरूर हो, इसके बाद तो जसोदा मैया दौड़ पड़ी और दौड़ करके अपने लल्ला को उठा के लाई है, बड़े प्रेम से झाड़ा दे दिया और भगवान की सुंदरता से रक्षा। आइए, इधर गोपियों को पता चला ठाकुर जी को नजर है गई, बस दौड़ पड़ी, कोई मंदिरों में गई और जाकर वहां की रज ला करके लल्ला के लगाई, सात मंदिरों के, किसी ने मिर्ची आरी वारी की, किसी ने बत्ती जला करके बत्ती उतारी, तो किसी ने फिटकड़ी वार करके, किसी ने राई लोन ला करके, किसी ने तवे की कालुस नीचे ऊंचे लगा करके। भैया, जितनी बहने उतने टोटके होते हैं, इन बहनों का दिमाग भी बहनों का है। एक दिन सिर में दर्द था थोड़ा सा, तो एक बहन ने कहा कि पान का काढ़ा ले लीजिए, एक ने कहा बम लगा लीजिए, एक ने कहा बोले नहीं नहीं वो नाक से पानी वाला कर लीजिए, आप नेती कर लीजिए, एक ने कहा नहीं ये दवाई ले लीजिए, एक बोली गरम गरम बादाम का हलवा खा लीजिए, एक ने कहा हाँ कि अदरक कूट के उसको, हम बोले जरा इस हलवे वाले की सुन लो बादाम का हलवा वाले की सुन लो, जरा अदरक खा लो और पान खा लो। तो जितने लोग होते हैं भैया उतने ही टोटके हो जाते हैं। फिर दैया रे दैया, कनमा को नजर लागी, मैं डिबिया का जल्दी लेकर
हाथे लाला के मुकुट सोहे, हाथे लाला के मुकुट सोहे, लटकन की बलिहार बीबिया पागल भी लेकर भागे दैया रे दैया मन मुस्कान की बलिहारी में दिव्या बाजल की रे बलिहारी में दिव्या बाजल की रे बलिहारी दैया रे दैया ललवा को नजर आगे दैया रे दैया ललवा को नजर से नजर उतारो ठाकुर जी दिव्या काजल की रे हमारी मैया रे दैया लालन को नजर लागी दैया रे दैया कनवा को नजर लागी मैं दिव्या चलगत की बलिहारी मैं दिव्या काजल की लेकर भागी मैं दिव्या काजल की लेकर भागी दैया रे दैया कनवा को नजर लागी दैया रे दैया लाला को नजर लागी मैं दिव्या काजल की लेकर भागी मैं दिव्या काजल की लेकर भागी देख लीजिए एक मिनट के लिए नजर बत्ती गई फिर आ गई कनवा को नजर लागी मैं दिव्या काजल की लेकर भागी मैं दिव्या काजल रे कान लाला के झुमका सोहे कान लाला के झुमका सोहे लटकन की मैं दिव्या काजल की लेकर भागी
में, बड़े बड़े महात्माओं में भगवान एक अवगुण देते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़े साधु में एक अवगुण दे देते हैं। दुनिया कहती है तो ठीक है, बाकी ये कमी है। हाँ, काशी बाबू बुलाएंगे आपको अगली कथा में। तो श्रोताओं, बड़े आनंद का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गोपियां अपने प्रेम के कारणों की नजर उतार रही हैं। पूरे जीवन का बड़े बड़े संत महात्माओं में भी भगवान कोई कमी छोड़ते हैं थोड़ी सी। आपको तो पता ही है, 16 आना शुद्ध, 22 करेट सोने, 24 करेट सोने का गहना बनता थोड़ी है, टूट जाएगा, उसमें थोड़ी सी खोट मिलाओगे तो टिकेगा। इसी तरह जो संत महात्मा शुद्ध हो गया वो संसार में नहीं रहता है। हाँ, 16 वर्ष में हो गए संत ज्ञानेश्वर शुद्ध, चले गए। आदि शंकराचार्य 32 से पार नहीं हुए, चले गए दुनिया से। 40 को पार नहीं किए विवेकानंद जी। ये जो शुद्ध हो जाता है फिर सिद्ध हो जाता है, फिर दुनिया में क्या उसके लिए। इसलिए मेरे भाई, पूर्ण शुद्ध हो जाना, सिद्ध हो गया व्यक्ति। बड़े बड़े महात्मा में भी भगवान एक अवगुण देते हैं। कई महात्मा क्रोधी हो जाते हैं, कई लोभी हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं महात्मा जी लोभी है, ये तो महात्मा जी क्रोधी है। अरे नहीं, भगवान ने काला टीका लगा रखा है कि मेरे भक्त को नजर नहीं लग जाए। बड़े बड़े संत में क्रोध नहीं होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करे उसका नाम क्रोध है, पर जगत को सुखी करने के लिए जो किया जाए वो तो क्रोध नहीं होता है। हम गुस्सा करते हैं अपना काम पटाने के लिए। आइए, इस तरह छठे दिन आई है। सुखदेव जी ने कहा, पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसये पिहरे स्तनं दत्वाप सद। बच्चों को मारने वाली पूतना भगवान को स्तन पे का गति पा गई। यै तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्भुतम। जो पूतना मोक्ष की कथा सुनता सुनाता है, भगवान उस पर कृपा करता है। मृत्यु गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में रति पाता है वो। छठे स्कंद की अब छठी अध्याय हुई और सातवें अध्याय में अब भगवान का सकट बंधन और तृणावर्त उद्धार की कथा है। लेकिन इसके बीच में छठे दिन आई पूतना, चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए पधारे। जोगी हूँ पूरे 100 साल का, आज प्रेम से सुनिए शिवरात्रि का दिन आ गया। शंकर भगवान दरवाजे पर आए भीख मांगने के लिए। जोगी हूँ पूरे 100 साल का, मैया दर्श करा दे तेरे लाल का, मैया दर्श करा दे तेरे लाल का। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गोपी ने कहा, रे मैया मैया दरवाजे पर एक बाबा आए हैं आज, सो लग रहे हो बाबा। पागंबर के वस्त्र पहने, पागंबर के वस्त्र पहने, शेषनाग लिपटायो रे, शेषनाग लिपटायो रे, मस्तक ऊपर तिलक चंद्रमा, मस्तक ऊपर तिलक चंद्रमा, जोगी जटा बढ़ायो रे, जोगी जटा बढ़ायो। बम 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 बम
थाल भरायो रे। सोना चांदी हीरे मोती लेकर ले भिक्षा कर जाओ मारा जोगिड़ा क्या चाहिए। अरे माँ तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल को दर्श करा दे, योगी ध्यान तज आया रे, योगी ध्यान तज आया रे। धन सुन काम धरा धाम सुन काम, धन सुन काम धरा धाम सुन काम, हम तो उदासी नित्य शमशान वासी है। शंकर जी कहते हम तो शमशान में रहने वाले भैया, चाह नहीं अमृत की विजया विश्वान करें, अन्न के लिए तो घर अन्नपूर्ण दासी हो, अन्न के लिए तो घर अन्नपूर्ण दासी है। अष्ट सिद्धि दाता नाओ निधि के विधाता, हम मुक्ति करे दान नित्य काशी के वासी, मुक्ति करे दान नित्य काशी के वासी है। तेरी दया पूर्ण सब विध भरपूर, हम केवल मेरी अखियां कृष्ण दर्शन की प्यासी, केवल मेरी अखियां कृष्ण दर्शन की प्यासी है। ना चाहिए तेरे हीरा मोती। शंकर जी ने कहा मां मैया यशोदा जी ने साफ कर दिया, बाबा कली पूतनाई मैं तो ना ही दिखाऊं लाला, दिखाऊं को लाडलो नजर लगे, दिखाऊं को लाडलो नजर लगी जाए, नजर लगी जाए रे जुलम हो जाए, निजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं को लाडलो भर तेरे गले में सोवे अंग विभूति रमावर बाबा, अंग विभूति रमावे तेरे रूप को देख रह जोगी, तेरा रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जावे, दिखाऊं को मिलाडिलो निजर लग जाओ, निजर लग बाबा हम नहीं दिखाएंगे। हुए उदास चले शिव शंकर अपना कदम बढ़ाया, हुए उदास चले शिव शंकर अपना कदम बढ़ाया, अरे जाते देख भोलेनाथ को कान्हा रो रो के चिल्लाया, जाते देख के भोलेनाथ कान्हा रो रो के चिल्लाया, अजी रो रो के चिल्लाया,
जोर हो के चिल्लाने लगे। गोपी बोली, मैया वो बाबा कुछ जादू कर गए, तेरा लाला रोता ही रहेगा, जा जा बाबा को बुला। गोपी दौड़ी गई, चल रे जोगी नंद भवन में, जोगी नंद भवन जसमत तो ये बुलावे रे, जसमत तो ये बुलावे रे, ठुमकत शंकर नाचे, ठुमकत शंकर नाचे, ठुमकत शंकर नाचे, ठुमकत शंकर नाचे। दिखाओ मत, दिखाओ मत। कथावारी कोई पोता है वो। दिखाऊं तो मिलाड लोनी जरे लगिया, दिखाऊं तो मिलाड लोनी जरे लगिया। जसोदा जी बोलती है, जल्दी बुला के ला, छोरा रो रहा है। गोपी गई, चल रे जोगी नंद भवन में, यशमति तो ये बुलावे रे, यशमति तो ये बुलावे रे, ठुमकत शंकर नाचे, ठुमकत शंकर नाचे। राई लोन करायो रे, राई लोन करायो रे, और जहां नजर उतारी कन्हैया ताली बजा बजा के हंसने लगे। बजाओ जाके ठाकुर जी हंसने लगे, आप ताल तो बजा दो। चार बैर पर कम्मा तीनी, शीश हाथ धर दीनो, व्यथा भई सब दूर जानी, मुस्काए नंद लाला रे। लाल जी की सारी व्यथा दूर है गई, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। मैया बोली, नजर उतर गई। शंकर जी ने गोद में ले लिया, कहा माई माई, शंकर जी ने गोद में ले लिया, माई तेरा इच्छा हो तो लाला को एक बार गोद में लेकर नाच दे। अब शंकर जी नाचने लगे, अरे भैया आज शिवरात्रि को दिन है, जरा सब ताल बजा के। हाँ सुरेश जी जाओ मैदान में। भगवान शंकर का दिव्य तत्व है, भगवान शिव की सुंदरता है, गोद में लेकर शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं। हर हर महादेव, भगवान शंकर नाच रहे गोद में लेके। जय जय तेरी जय हो शिव शंकर, गले में पत्ते रखियो भला जी भोले बाबा, डमरू वाले रखी पाले रखवाले। तेरी जय हो शिव शंकर, गले में नाग भयंकर बसे कण कण के अंदर, देवों में पहला नंबर। नाज मेरी नाज मेरी हो, जय हो जय 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 जय। बोले भोलेनाथ की जय हो। जरा हाथ उठाइयो, हाथ उठाइयो। हाँ लक्ष्मी जी जरा बजाइयो। स्वनाथ
शिवरात्रि महापर्व की। शंकर भगवान की हो। बोले भागवत भगवान की हो। विश्वनाथ तेरी महिमा भाई, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, रखवाले प्रतिपाले तेरी जय हो शिव शंकर, गले में नाग भयंकर, बस कण कण के अंदर देवों में पहला नंबर, लाज मेरी लाजी भोले बाबा, डमरू वाले रखवाले प्रतिपाले करो। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो रे, जब जब लाला रोवे तब तब आके दर्शन दे दीजियो। शंकर भगवान बोले आएंगे जाएंगे माँ, एक काम करो ना, वृंदावन में जगह दिला दो, यहीं रह जाएंगे हम तो।
ये आन जानवरों काम हमसे ना हो सके, तो हमारे को तो वृंदावन में वो जगह दे आए दो। शंकर भगवान बोले तो माने कहा ठीक है, तो आज भी गोकुल में गोकुलेश्वर महादेव है, आशीश्वर महादेव, और रास कमण करने के समय आए तो राशेश्वर महादेव। तो श्रोताओ, शंकर जी और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों दोनों के श्रोता हैं और दोनों दोनों के मालिक हैं और दोनों दोनों के सेवक हैं। प्रेम हो तो ऐसा हो, एक को चोट लगे तो दूसरे के दिल में दर्द होता है, एक को फूल चढ़े तो दूसरे को पूजा प्रसन्न हो जाता है। ये एकात्म रूप जो शिव और कृष्ण का है, आप एक झांकी देखिए ना, हर के गोद में हरि कैसे सोने लग रहे हैं। देखा, एक को बिल्लू पत्र प्रिय है, एक को तुलसी पत्र प्रिय है, एक गाय चराने वाला, एक बैल पर चढ़ने वाला है, और दोनों भिखारी। एक अन्नपूर्णा के द्वार का भिक्षुक है, एक राजा बलि के द्वार का भिक्षुक है, एक गले में सांप को रखने वाला है तो दूसरा सेज पर सोने वाला है, डमरू बजाता है, एक बांसुरी बजाता है, एक अर्जुन का शास्त्र गुरु है, एक अर्जुन का शास्त्र गुरु है। दोनों ही ठीक हैं भैया, बस शंकर भगवान तो आशा बना करके आशीश्वर महादेव बन के बैठे हैं। जय जय श्री शंभु। श्रोताओं, जीवन का सार बहुत सुंदर है। आज का व्रत क्या है महा, आपको पता है? आज के दिन भगवान शंकर का विवाह भी हुआ था और आज के दिन भगवान शंकर का प्राकट्य भी हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध चला, मैं बड़ा, तो बीच में शिवलिंग का प्रागट्य हुआ कि ये कौन। ब्रह्मा जी ऊपर 10,000 वर्ष तक पार पाने गए, विष्णु जी नीचे गए, कोई पार नहीं पाया। जो पा जाएगा वही बड़ा कहलाएगा। अंत में ब्रह्मा जी ने केतकी फूल को पड़ते देखा, केतकी तू झूठी गवाही दे दे तो मैं तुझे फूलों का राजा बना दूंगा। ब्रह्मा जी ऊपर खोजने जा रहे थे उस शिवलिंग को, केतकी ने कहा मैं झूठी गवाही दे दूंगी, और विष्णु जी ने कहा मैं पार नहीं पा सका। ब्रह्मा जी ने कहा हम ही मोरे, मैं पार नहीं पा सका। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पार पा चुका हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो केतकी से पूछ लो। केतकी ने कहा हाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने पार पाया इस शिवलिंग का। विष्णु तुम हो गए छोटे और मैं हुआ से बड़ा। उसी समय शिवलिंग फटा और भगवान शंकर का आज के दिन प्राकट्य हुआ। झूठ बोलने वाले ब्रह्मा का चौथा सिर काट डाला, शाप दिया ब्रह्मा को, जाओ दुनिया में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। विष्णु को दिया कि कण कण में तुम्हारा वास होगा, अनेक अवतार लेकर के आ विश्व का कल्याण करो। फिर ब्रह्मा बहुत रोया तो कहा जाए एक पुष्कर राज में तेरा मंदिर होगा। शिवरात्रि की कथा भैया ये, भगवान शंकर का प्राकट हुआ। ब्रह्म मुरार्चि सुरार्चित लिंगम कामदहं अतिशोभित लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगो जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुदीपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाश
सुखासन लिंग तत् प्रणमामि सदा शिवलिंग कुमकुम चंदन लेपित लिंग पंकज हारि सुशोभित लिंग वो संचित पाप विनाशन लिंग तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरा हाथ जोड़िए, जो ज्योति शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, जो जो जा चुके हैं जहाँ जहाँ ध्यान कीजिए, यहाँ बैठे बैठे भारत ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का पुण्य यहीं बैठे हो जाएगा। सौरास्ते सौराष्ट्र में भगवान शिव का जिन्होंने दर्शन किया, जल चढ़ाइए श्री शैल। याद रखिएगा, कलयुग में मन से किए हुए पाप का फल भगवान नहीं देते हैं, पर मन से किए हुए पुण्य का फल ईश्वर देता है। मन से जल चढ़ सकता है शिवजी पर। सौरास्ते सोमनाथम श्री शैले मल्लिका, श्री शैल पर्वत पर हैदराबाद के आगे मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम, उज्जैन्यां महाकालम, उज्जैन में महाकाल ओंकार ममलेश्वर, इंदौर के आगे ममलेश्वर में ओंकारेश्वर, परल्यं वैद्यनाथम च, वैद्य परल्य में भी जिसका नाश नहीं होता, जयश्रीडी के पास में भगवान वैद्यनाथ, डाकिन्यां भीम शंकरम, डाकिनी गांव में भीमा शंकर पूना के पास, सेतु बंधे तु रामेशम, सेतु बंध में भगवान श्री रामेश्वरम, नागेशम दारुकावने, द्वारिका से 5 किलोमीटर दूर नागेश भगवान दारुका बन में, वाराणस्याम तो विश्वेशम, बनारस में भगवान विश्वंभर, त्रंबकम गौतमी तटे, गौतमी तटी के अंदर त्रंबकेश्वर महादेव, हिमालय तो केदारम, हिमालय में केदारनाथ, घुस्मेशम शिवा, औरंगाबाद के पास घुस्मेश्वरम में, एतानी जो घुस्मेश्वर सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे नवीन, 7 जन्म का पाप स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। आइए मन से विश्वनाथ जी को जल चढ़ाइए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, हर हर महादेव। रुद्रम पशुपति निशानम कलयुग काशी पुरी वासम, हर हर महादेव, हर आओ